हाय गाइस और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेल, मॉनसून आ चुका है एंड मॉनसून ना मेरा फेवरेट वेदर है, बट मॉनसून में एक्स्ट्रा हेयर केयर की जरूरत होती है क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल होते हैं एंड इसका सिर्फ एक ही रीजन है, ह्यूमिडिटी। एंड ह्यूमिडिटी से हमारा जो स्कैल्प है बहुत ज्यादा ग्रीसी एंड ऑयली हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। सो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स जिससे आपको कम से कम हेयर फॉल हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टिप, आपको एवरीडे हेयर वॉश नहीं करना है। अगर आप हेयर वॉश एवरीडे करते हो तो आपका जो नेचुरल ऑयल है वो रिमूव हो जाता है। सो ट्वाइस इन अ वीक आइदर थ्राइस इन अ वीक इज इनफ। सेकेंड टिप, आपको हमेशा एक क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज करना है एटलीस्ट वंस इन अ वीक। वंस इन अ वीक इज इनफ। अगर आप ओवर एक्सफोलिएट करते हो तो आपका जो नेचुरल ऑयल है वो रिमूव हो जाता है, जिससे आपका ऑटोमेटिकली ऑयल प्रोड्यूस होता है एंड अगेन आपका जो स्कैल्प है ऑयली एंड ग्रीसी हो जाता है। सो रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप कोई भी क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज करते हो तो वंस इन अ वीक इज इनफ। एंड जैसे आपकी स्किन होती है वैसे ही हमारा स्कैल्प होता है। अगर आप अपनी स्किन को ओवर एक्सफोलिएट करते हो तो हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, आइदर जो हमारे स्किन के बैरियर्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। सो सेम हमारे स्कैल्प के साथ भी है, अगर आप अपने स्कैल्प को ओवर एक्सफोलिएट करते हो तो वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। सो वंस इन अ वीक इज इनफ। एंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लॉसम का स्कैल्प एक्सफोलिएटिंग प्री शैम्पू ट्रीटमेंट। इट्स रियली अमेजिंग। ये जेल बेस्ड है, बिल्कुल भी लेदर आइदर फॉर्म क्रिएट नहीं करना है। जस्ट आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, अपने डैम्प हेयर पे इसको अप्लाई करना है, 2 to 3 मिनट्स तक अप्लाई करना है, जस्ट मसाज करना है, देन रिंस इट ऑफ। वेरी सिंपल, आपको ये अपने शैम्पू के पहले करना है। एंड इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज सैलिसिलिक एसिड। इसके पहले मैंने केमिस्ट रिपब्लिक का बॉडी वॉश यूज किया था दैट कंटेन सैलिसिलिक एसिड। सो आई थॉट कि लेट्स ट्राई, बट मुझे इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगा है। ऑफकोर्स उसमें इतने ज्यादा अच्छे सफेक्टेड नहीं होते फॉर स्कैल्प, बट इट्स क्वाइट इफेक्टिव एंड ये बिल्कुल भी फॉर्म क्रिएट नहीं करता है, काफी ज्यादा जेंटल है। तो आप उसको ईजली वंस इन अ वीक यूज कर सकते हो मॉनसून में। नेक्स्ट स्टेप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका हेयर फॉल एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है, मीन्स आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया है, आपका हेयर फॉल रुक नहीं रहा है, तो आप अपने हेयर ग्रोथ पे ध्यान दो। मीन्स आप ऐसे प्रोडक्ट्स, सीरम्स, ऑयल्स यूज करो जो आपके हेयर को ग्रोथ करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो। एंड पर्सनली जो मुझे पसंद है, दिस इज पिलग्रिम वन एंड इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी किया है एंड दिस इज माई सेकेंड बॉटल। मैं इसमें ये नहीं बोल सकती हूँ कि इसमें मुझे इतना ज्यादा हेयर ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट दिखा है, क्योंकि आई हैव यू नो गुड वॉल्यूम, तो मैं इतना ज्यादा कंपेयर नहीं कर सकती हूँ, बट 101% इससे मेरा हेयर फॉल हमेशा रुक जाता है जब भी मैं इसको यूज करती हूँ। एंड पर्सनली आई लव दिस। एंड इसका जो टेक्स्चर है वाटर बेस्ड है, विच इज रियली ग्रेट थिंग, क्योंकि अगर आप वाटर बेस्ड होता ना तो आपके जो स्कैल्प को बिल्कुल भी स्टिकी एंड ग्रीसी नहीं करता है। इसके पहले मैंने मिनिमलिस्ट का भी ट्राई किया है, बट मिनिमलिस्ट वन इज रियली स्टिकी, बट दिस वन इज वाटर बेस्ड, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। एंड इसके अलावा एक और दो ऑयल आते हैं जो आपके हेयर ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट टिप, स्पेशली मॉनसून के लिए, अगर आप हेयर ऑयलिंग करते हो तो ऐसा ऑयल यूज करो जो आपके स्कैल्प में स्टक ना हो, बहुत ज्यादा आपका जो स्कैल्प है ऑयली आइदर ग्रीसी ना लगे, आइदर बिल्डअप क्रिएट ना करे। सो बहुत लाइट वेट ऑयल यूज करो। एंड पर्सनली जो मुझे पसंद है वो होवा ऑयल है, जूसी केमिस्ट्री। इसके अलावा जितने भी ऑयल्स हैं मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि आप कम से कम ऑयल यूज करो, इतना ज्यादा ऑयल यूज मत करो। एंड आप ये भी कर सकते हो, आप अपने हेयर मास्क में ऑयल ऐड कर सकते हो, जिससे आपका जो स्कैल्प है बहुत ज्यादा यू नो ऑयली आइदर स्टिकी ग्रीसी ना लगे। सो बेटर टू यूज हेयर ऑयल इन योर मास्क। नेक्स्ट टिप, आप ऐसा शैम्पू यूज करो स्पेशली मॉनसून में जो जेंटल भी हो एंड आपके स्कैल्प को अच्छे से क्लीन भी कर दे एंड आपके हेयर को बिल्कुल भी ड्राई ना करे। एंड पर्सनली मेरा जो करंटली फेवरेट है ये है, एंड ये मुझे आपने ही रेकमेंड किया था, दिस वन इज डिटॉक्सी हार्ड वाटर रिलीफ हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू। इट्स रियली अमेजिंग एंड इसकी जो क्वांटिटी है आपको बहुत ज्यादा लेनी नहीं पड़ती है एंड ये फॉर्म भी क्रिएट करता है बट आपके हेयर को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा। सो मॉनसून के लिए मैं बोल सकती हूँ इट्स परफेक्ट वन, आप उसको ट्राई कर सकते हो। मैं ये विंटर के लिए आपको रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा फॉर्म क्रिएट करता है, तो माइट भी आपको पसंद नहीं आए, स्पेशली अगर आपका ड्राई स्कैल्प है तो। बट मुझे लगता है मॉनसून के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है एंड कि अफोर्डेबल भी है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट चलते ही रहते हैं, आइदर फ्लैट 50, बाय वन गेट वन,
तो ये आपको इजिली 250 आइदर 300 में मिल जाएगा। एंड ये मेरा करंट फेवरेट है क्योंकि इससे मेरे हेयर बिल्कुल मुझे ड्राई नहीं लग रहे थे, इवन इससे मेरा जो स्कैल्प है ना बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जा रहा था। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि आप उसको ट्राई करना चाहिए, रियली वर्थ इट, आप उसको मानसून में ट्राई। मानसून में ना एक और प्रॉब्लम होती है, हमारे स्कैल्प ऑयली एंड ग्रीसी तो होता ही है बट हमारे जो हेयर है बहुत ज्यादा ड्राई एंड फ्रीजी हो जाते हैं। सो आप कोई भी ऐसा कंडीशनर यूज कर सकते हो जिसकी जो कंसिस्टेंसी है ना थिक हो, एंड आइदर कोई हेयर मास्क भी यूज कर सकते हो। एंड अभी मैं ये ट्राई कर रही हूँ डिटॉक्सी का कंडीशनर एंड पर्सनली आई लव दिस, जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना थिक है एंड ये मेरे हेयर को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर रहा था। पर्सनली आई लव दिस, लाइक जब मैंने दोनों को ही ट्राई किया ना साथ में तो मेरे हेयर मुझे बहुत ज़्यादा मैनेजेबल, सॉफ्ट एंड फेस फ्री लग रहे थे। तो मुझे लगता है ये जो है शैम्पू एंड कंडीशनर्स दीज आर रियली गुड, अमेजिंग एंड वर्थ इट, आप इसको ट्राई कर सकते हो। एंड अगेन ये आपको 250 आइदर 300 रुपीज में मिल जाए। नेक्स्ट आता है सिरम आइदर हेयर क्रीम। वेल मेरे हेयर जो है ना थिक है तो मुझे ज्यादातर सूट करता है हेयर क्रीम, एंड आपने मुझे ये सजेस्ट किया था, दिस वन इज आ ट्रू फ्रॉग लिव इन कंडीशनर एंड मैं इसको हेयर क्रीम जैसे यूज करती हूँ। पर्सनली आई लव इट, मतलब मैंने इसको काफ़ी यूज़ कर लिया है एंड मुझे ना मेरे हेयर बहुत ज़्यादा मैनेजेबल लग रहे थे, फ्रीज फ्री लग रहे थे। कुछ हेयर क्रीम्स मुझे ऐसे लगती है कि बहुत ज़्यादा स्टिकी आइदर बहुत ज़्यादा मेरे जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसे चिपकू चिपकू लगते हैं, बट आफ्टर यूजिंग दिस इट्स रियली गुड एंड मैनेजेबल। तो मुझे लगता है कि ये मेरी वन ऑफ माई फेवरेट हेयर क्रीम हो सकते हो। इसके अलावा मैंने एक और दो ट्राई की है, सो मैं आपके साथ एक रेटिंग रिव्यू शेयर कर लूंगी कि मुझे कौन कौन सी अच्छी लगती है, बट ये मेरा करंट फेवरेट है एंड ये भी मुझे अफोर्डेबल ही लगता है। लाइक ये इसकी प्राइस है 500 or 600 rupees, ओके 625 rupees फॉर 200 ml, बट अगेन ये आपको बाय वन गेट वन में आइदर फ्लैट 50 फ्लैट 25 में इजिली मिल जाएगा। सो आई कैन से इट्स टोटली वर्थ इट। एंड इसका जो टेक्स्चर है ना थोड़ा बहुत थिक है बट ये हेयर में इतना ज्यादा थिक नहीं लग रहा था एंड मेरे हेयर मुझे बहुत ज्यादा मैनेजेबल एंड फ्रीज फ्री लग रहे थे। बट अगर आपके हेयर है ना थिन है, लाइक मेरे जो हेयर है ना वो थिक है, सो आई वुड सजेस्ट आप हेयर सीरम यूज करो मानसून में, नहीं तो आपको हेयर क्रीम थोड़ी सी हैवी लग सकती है, आपके हेयर है बहुत ज्यादा स्टिकी लग सकते हैं। सो अगर आपके हेयर थिन है देन गो फॉर हेयर सीरम, अगर आपके हेयर थिक है आइदर बहुत ज्यादा फ्रीजी है देन गो फॉर दिस हेयर क्रीम, इट्स रियली अमेजिंग एंड वर्थ इट। एंड लास्ट टिप, अगर आपके हेयर आपको सेकेंड आइदर थर्ड डे पे भी फिर से फ्रीजी एंड ड्राई लगते हैं ना तो आप ऐड कर सकते हो हाइलुरोनिक एसिड सीरम अपने हेयर केयर रूटीन में, एंड आपको उसको डैम्प हेयर में ही यूज करना है, देन आपको हेयर क्रीम आइदर हेयर सीरम अप्लाई करना है, तो इससे आपके हेयर ना काफ़ी हद तक मैनेजेबल रहेंगे। ये पर्सनली मैं करती हूँ बट नॉट एवरी टाइम, लाइक मुझे लगता है ना मेरे हेयर थोड़े से मुझे ड्राई एंड फ्रीजी लग रहे हैं देन मैं यही टिप फॉलो करती हूँ, एंड आप भी ट्राई कर सकती हूँ एंड अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकती हूँ। वेल दिस इज माई हेयर केयर रूटीन इन मानसून, एंड मैं इसी रूटीन को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही थी तो मुझे मेरे हेयर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगा है। लाइक मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, प्लस जो मेरा स्कैल्प था बहुत ही ऑयली एंड ग्रीसी हो जा रहा था तो वो भी नहीं हो रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा मेरे हेयर मैनेजेबल हो गए हैं। सो आप इसको ट्राई करो एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।